मोदी शाह ने सीबीआई को लगाया, कह रहे हैं ऐसा नहीं किया तो लालू कहीं का नहीं छोड़ेगा। भाजपाइयों में दिखा लालू का खौफ, डर के मारे कांपने लगे हैं सभी, दिखने लगा है हार का डर। अपनी मस्ती में है लालू, बोले हस्ती हमारी नहीं डुबा पाओगे, लोगों के दिलों में रहते हैं। लालू यादव ने बिछाया जाल, तो भाजपा वाले ऐसे फंसे कि जाल बिछाने वाले को तोड़ने में जुट गए हैं। बौखलाहट भी ऐसी मानो जैसे किसी सांप ने डस लिया हो। अब इनकी छटपटाहट से ये बयां होने लगी कि लालू यादव से बहुत खौफ में जी रहे हैं, क्योंकि उनके विरोधियों को पता है कि लालू यादव की मार का इलाज किसी के पास नहीं है। उनका डसना नाक के डसने के बराबर ही है, उनका मारा पानी भी नहीं पीता। तभी तो चुनाव से पहले लालू यादव को भीतर करने के लिए भाजपा ने एरी चोटी का जोड़ लगा दिया है, ताकि वह किसी तरह इस आंधी को रोक सके। बीजेपी वालों को अच्छे से पता है कि लालू यादव वो तूफान है जो सब कुछ तबाह कर देगा, कुछ नहीं बच पाएगा। अगर वो अभी से नहीं रोका तो आगे चलकर बहुत घातक साबित हो सकता है। तो जैसे तैसे करके बीजेपी वाले अब कानून का सहारा लेने पर उतर गए हैं, लेकिन शायद विरोधियों को नहीं पता है कि लालू यादव वो आंधी है जो किसी के रोकने से भी नहीं रुकेंगे और भाजपाइयों के खेमे को उड़ा कर ले जाएंगे। कोई माइक लाल में अभी इतनी ताकत नहीं है। भले ही बीजेपी अभी साम दाम दंड भेद कर ले, चाहे कितना भी लालू यादव को परेशान कर ले, लेकिन आने वाले साल में यानी कि 2024 और 25 के चुनाव में इन सबको ऐसी पटखनी देंगे कि ये लोग उठकर पानी भी नहीं पी पाएंगे। लालू यादव ऐसे ही बिहार के जनता के दिलों में राज नहीं करते, कुछ तो खास है लालू यादव में, तभी तो बिहार की जनता उन्हें इतना पसंद करती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो 2020 का विधानसभा चुनाव था, जहां जनता ने दिल खोलकर वोट दिया और इस वोट ने लालू यादव की पार्टी को बिहार की नंबर वन पार्टी बना दिया। तेजस्वी यादव की अगुवाई में 2020 के चुनाव में राजद को सबसे ज्यादा मत मिला, बीजेपी वालों को भी पछाड़ दिया और वो बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गए। भाजपाई चिंटू कितना भी जोर लगा ले, लेकिन लालू यादव अब नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि लालू यादव ने बहुत आगे की सोच रखी है और वो इस रेस में अव्वल रहना चाहते हैं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में भले ही गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने को ग्रीन सिग्नल सीबीआई को दे दिया हो, लेकिन वह भूल रहे हैं कि लालू जंगल के इकलौते राजा हैं। राजा कुछ देर के लिए चुप हो जाए, लेकिन हमेशा खामोश नहीं होता, वो धमकियों से डरने वाला नहीं है। भाजपा को जब इससे भी मन नहीं भरा तो लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव को भी खींच लिया। इस केस में 3 जुलाई को सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट दाखिल की, जिसमें पहली बार तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया। तेजस्वी यादव का नाम भी आरोपी के तौर पर जब शामिल हुआ, तब तेजस्वी ने साफ कह दिया कि वो डरने वालों में से नहीं है। तेजस्वी यादव की इन बातों से तो साफ हो गया कि वह भी शेर के बेटे हैं। तो अब बीजेपी वाले कोई चाल चले, लालू और तेजस्वी घबराने वालों में से नहीं है। उन्होंने हमेशा से संघर्ष करना सीखा है और इसी संघर्ष के दम पर 2024 और 25 के चुनाव में जीत का परचम लहराएंगे।